इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सर, एक रूम चाहिए। जी बिल्कुल, मिल जाएगा। आपका नाम? श्रीकांत, श्रीकांत वर्मा। जिम्मेदार मेरा वो प्यार है जो अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। आई लव यू ज्योतिका। तुम कहती थी ना कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बार तो क्या सैकड़ों बार अपनी जान दे सकता हूं। आई लव यू। श्रीकांत वर्मा अपने पूरे होश हवास में
आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा वो प्यार है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। हाँ कुमार साहब, आपको कब पता चला इस हादसे के बारे में? सर, फायर की आवाज सुनकर हम लोग जब आए तो देखा रूम अंदर से लॉक्ड था। डुप्लीकेट की से जब दरवाजा खोला तो देखा। सर, हम लोग बेवजह इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये एक सिंपल सुसाइड केस है, सुसाइड नोट भी है। सर, हम लोग ऐसा करते हैं, हम फिल्म देखने चलते हैं। सलमान खान की नई फिल्म लगी है। मोनिका, विल यू शट अप? अच्छा ये बताइए, इसके पास सिर्फ यही ब्रीफ केस था? जी हाँ, यही ब्रीफ केस था। करण साहब, ब्रीफ केस तो बिल्कुल खाली है। ये खाली ब्रीफ केस लेकर इतने बड़े होटल में करने क्या आया था? लाठी, मुझे तो लगता है कि ये यहां आत्महत्या करने ही आया था। इसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ये उस प्यार की वजह से आत्महत्या कर रहा है जो प्यार मुकम्मल ना हो सका। ये लड़की की जो तस्वीर हमें यहां मिली है, हो सकता है कि यही लड़की उसका प्यार हो जिसकी वजह से इसने आत्महत्या की। लेकिन सर, आत्महत्या करने के लिए किसी होटल में कमरा बुक करने की क्या जरूरत थी? वो तो आत्महत्या कहीं भी कर सकता था। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर आपको आत्महत्या करनी होगी तो आपके होटल में कमरा? सॉरी सर। नाम तो यही था लेकिन एड्रेस और फोन नंबर झूठा था। आपको कैसे पता? जो लाश मिलने के बाद जब हमने इस एड्रेस पे इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो पता चला ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं। Karan, the detective. हेलो। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? इडियट, जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हैं? Do you want? आखिर तुम हो कौन? क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? हे ज्योतिका, इट्स मी। विशेष, तुम? या बेबी,
तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो ब्लैंक कॉल्स तुम कर रहे थे क्या? ब्लैंक कॉल्स? मैं तुम्हें ब्लैंक कॉल्स क्यों करूंगा? पता नहीं, कोई इडियट बार बार ब्लैंक कॉल्स करके मुझे तंग कर रहा था। ज्योतिका, तुम्हारा कोई दीवाना होगा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हें बार बार फोन कर रहा होगा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? पता नहीं विशेष, उन ब्लैंक कॉल्स से मुझे घबराहट सी हो गई। और फिर घर में भी कोई नहीं है, अंकल भी बाहर गए हैं, और फिर वो फोन पर वो सन्नाटा। रिलैक्स ज्योतिका, मैं घर आ रहा हूँ ना, फिर तुम्हारा सारा डर भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा अकेलापन भी। लेकिन तुम हो कहाँ पे और तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो? अरे यार, एक तो मौसम इतना खराब हो रहा है, ऊपर से मेरी गाड़ी खराब हो गई। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। I'm waiting for you. Come soon. See you, darling. Bye. Bye. हेलो सर, सर वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं है, क्या आप मुझे मड आइलैंड पर लिफ्ट दे देंगे प्लीज? आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है बहुत जोरों से तूफान आने वाला है। कहीं आने वाला है और कहीं आ चुका है। वैसे मेरा नाम विशेष है, विशेष आचार्य, और आपका? श्रीकांत, श्रीकांत वर्मा। ओके। वैसे तुमको जाना कहाँ है? मुझे मड आइलैंड जाना है, बंगलो नंबर 16, नक्सा बीच। कमाल है, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो बिल्कुल एक ही है। जी करण द डिटेक्टिव। देर हो गई है, विशेष आया क्यों नहीं? लगता है आ गया। विशेष तुमने तो तुमने मुझे पहचान लिया ज्योतिका। मैं जानता था कि मेरी ज्योतिका अपने श्रीकांत को इतनी आसानी से नहीं भुला पाएगी, देखते ही पहचान जाएगी, देखते ही पहचान जाएगी। ज्योतिका, तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, आज मैं यहाँ अपने उसी सवाल का जवाब मांगने आया हूँ जो सवाल मैं बरसों से तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ ज्योतिका, तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं? बोलो ज्योतिका कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। प्लीज मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ ज्योतिका। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की ज्योतिका, लेकिन लेकिन भुला नहीं पाया। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ ज्योतिका,
और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं ज्योतिका। कुछ मेरे सवाल का जवाब दो ज्योतिका, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो ज्योतिका कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नहीं, नहीं प्यार करती मैं तुमसे। हाँ ज्योतिका बोलो हाँ। नहीं नहीं नहीं। बोलो हाँ ज्योतिका वरना। नहीं। ज्योतिका, ज्योतिका बोलो हाँ। I hate you, I hate you। ज्योतिका तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्यार को हासिल करने के लिए एक बार तो क्या हजार बार 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 अपनी जान दे सकता हूँ ज्योतिका। थैंक्स अ लॉट। वैसे सुबह होने ही वाली है, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। बड़ा अजीब आदमी है, आदमी कम और भूत ज्यादा लगता है। श्रीकांत, श्रीकांत वर्मा। क्या हुआ ज्योतिका, बोलो, say something, ज्योतिका। मैं इस आदमी को नहीं जानती, बस जबरदस्ती घर में घुसाया और इसने अपने आप को गोली मार ली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ज्योतिका, अभी अभी ये आदमी अपनी गाड़ी में मुझे बाहर ड्रॉप करके गया। What? एक ही शक्ल के दो आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रिवॉल्वर ज्योतिका, ये रिवॉल्वर तो तुम्हारे हाथ में, कहीं तुमने तो इसे। ओह माय गॉड, विशेष ये रिवॉल्वर तो मैंने घबराहट में उठा लिया। प्लीज मेरी बात का बिलीव करो, मैंने इस आदमी को नहीं मारा, मैं इसे क्यों मारूंगी, मैं तो इसे जानती तक नहीं। विशेष सच, तुम इसे सही में नहीं जानती? मैं सचमुच इसे नहीं जानती विशेष, मैंने इसे नहीं मारा है, मेरी बात का बिलीव करो प्लीज। लेकिन ज्योतिका, पुलिस तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगी। तुम्हारे घर में ये लाश है और तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ज्योतिका जाओ, जल्दी से इस लाश को लपेटने के लिए कुछ लेकर आओ। जाओ। Karan, the detective.
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 Did you check? Did you check? Did you check?